नमस्ते दोस्तों। अभी आजकल मार्केट की सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे मार्केट अच्छा खासा मतलब फॉल देता है, रेगुलरली गैप डाउन खुल रहा है और ऐसी बहुत सारी चीजें अभी हो रही है। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो डेट है 10 मई 2022। और आज हम लोग ने देखा कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर आ गया था, एक अच्छे लेवल पे मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी दे दी थी। एंड फाइनली क्लोजिंग के टाइम पे आप बोल सकते हो कि लास्ट 30 मिनट्स, लास्ट 20 मिनट्स में मार्केट में मतलब खास करके निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल आ गया। आप बोल सकते हो कि पूरे दिन का जो गेन था वो आज मार्केट ने लूज कर दिया। और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रांग था। मैं आज आप लोगों के साथ है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर करूंगा। और आप लोगों को मैं एक दो स्टॉक है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ये लेवल पे, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं अभी देख रहा हूँ कि मार्केट में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। आप बोलो अगर आप इन्फ्लेशन की बात करो तो वो जो नंबर्स आ रहे हैं इन्फ्लेशन के वो खराब आ रहे हैं। अगर हम लोग अभी रेट हाइक भी बहुत हुए थे, जैसे हमारे यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट हुआ था, यूएस में भी फेड में ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट हो गया था, ये भी एक बहुत नेगेटिव मतलब पैरामीटर है। और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन के लास्ट पार्ट में आप बोल सकते हो कि मार्केट के सेकेंड हाफ में स्टॉक्स में भी अच्छी खासी सेलिंग आई थी। तो ये सारी सेंटिमेंट्स और मार्केट के अनसर्टेनिटी बहुत खराब होते जा रही है डे बाय डे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरा एक नॉर्मल एनालिसिस शेयर कर दूं और आप लोगों को बता दूं कि मुझे क्या लग रहा है आने वाले टाइम में। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे अनसर्टेन मार्केट में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसके अंदर हमने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है, हम सिर्फ प्राइस एक्शन को एनालिसिस करेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, पहले निफ्टी का मंथली देखते हैं और उसके बाद वीकली एंड देन वापस से डेली देखेंगे। तो हम लोगों को एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो अभी देखो आप ये जो चार्ट देख रहे हो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मैं ये लेवल को नहीं गिनूंगा जो कोविड के टाइम पे मार्केट ने लो मारा था, उसके बाद तो मार्केट ने उसका रिसेंट हाई तोड़ के एक अच्छी खासी रैली ले ली थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मार्केट ने अक्टूबर मंथ में 2021 में हाई मारा था समवेयर अराउंड 18,600 का, उसके बाद से मार्केट वो लेवल्स को कभी ब्रेक नहीं कर पाया है। अगर अभी आप मंथली चार्ट देखोगे ना तो बहुत ही क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट अच्छा खासा चलने के बाद अभी एक साइडवेज मोड में चला गया है। तो क्या अभी हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए? क्या अभी हम लोगों को मतलब बहुत सारे लोग अभी ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट तो बहुत ही गिर जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे है ना कुछ ऐसे लेवल्स है जिसको हम लोगों को मार्क कर देना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी रैली करने के बाद थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो ये लेवल क्या है 15,400 का। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे उसने एक वापस से ब्रेकआउट किया था और ये ब्रेकआउट के बाद वापस से मार्केट अच्छा खासा चला था। और हमने देखा कि रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मार्च निफ्टी ने ऑलमोस्ट 15,671 का लो मारा था और हमारा जो लेवल था वो 15,400 का था। अब ये लो मारने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा एक वापस से रैली लिया एंड नेक्स्ट मंथ में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 18,100 का मार्केट ने हाई मारा, बट अगेन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से ऑलमोस्ट 16,200 के आसपास आ गया है। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे मूव ऑन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि वो जो लेवल हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वापस से ऊपर गया एंड वापस से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो आने वाले टाइम में मेरे लिए एक चीज बहुत ही कंफर्म है कि अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो 15,400 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 15,400 ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला लेवल जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो विच इज 14,100 वो आ सकता है और उसके बाद अगेन 12,450 जो हमारा कोविड के पहले का हाई था। बट एज ऑफ नाउ मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि 15,400 इज द क्रूशियल लेवल फॉर निफ्टी, अदरवाइज वी कैन सी सम मोर फॉल। अभी हमने वीकली चार्ट देख लिया, पर वीकली चार्ट में क्या हो रहा है ना, एक अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हो, अगर ये टॉप को आप कनेक्ट करते हो ये टॉप के साथ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो मार्केट इतने टाइम से अप ट्रेंड में चल रहा था उसने यहाँ पे अभी लोअर हाईज बनाने शुरू किए हैं। ये पहला हाई था, उसके बाद ये सेकेंड हाई बनाया और ये वाला जो हाई है वो थर्ड बना है, पर ये तीनों हाई लोअर हाई है कंपेयर टू प्रीवियस हाई। तो ये एक बहुत ही कंसर्न वाली बात है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हाई बनाने के बाद ये एक लो बना था, उसके बाद ये लो बना था, और अगर अभी मार्केट अगर एक नया लो बनाएगा
तो ये चीज बहुत ही कंफर्म हो जाएगी कि भाई मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के मूव में आ गया है। पर एज ऑफ नाउ मार्केट ने अभी तक लो नहीं बनाया है, और हाँ आप ये भी बोल सकते हो कि अभी भी टाइम है, मार्केट एक नया लो बना सकता है। सो बेसिकली वो कंसिडर, अगर ये ट्रेंड लाइन को भी हम लोग कंसिडर करें ना, तो 15,400 इज द वेरी क्रूशल लेवल फॉर निफ्टी टू वॉच। तो अभी फिलहाल यहाँ पे तो एक हम लोगों को एक व्यू मिल गया है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं निफ्टी में, और एक छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके देखते हैं कि फिलहाल आने वाले दिनों में, मतलब 3-4 दिनों में मार्केट क्या लग रहा है। तो देखो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये मैं 10 मई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी हम लोग एक इवेंट को मार्क करते हैं जो रिसेंटली अभी हुआ था। अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो 4 मई है ना, यहाँ पे आरबीआई का रेट कट अनाउंस हुआ था, और ये सरप्राइज था, इसीलिए मार्केट ने इसको नेगेटिवली रिएक्ट किया। अभी यहाँ पे मार्केट का एक बहुत ही बड़ा एक रेड कैंडल बन गया है। तो आने वाले टाइम में मेरे लिए 17,132, या फिर आप बोल दो 17,140, जो ये कैंडल का हाई था, दैट विल रिएक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। और अगर आप ये गैप को देखोगे तो यहाँ पे मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ये वाले हाई को तोड़ेगा, विच इज 16,485। तो ये हाई नहीं टूटा, मार्केट ने कल के हाई को, मतलब आप बोल सकते हो कि कल के हाई को टच किया और वापस से सेल ऑफ आ गया। तो अल्ट्रा शॉर्ट टाइम के लिए मेरे लिए देखने वाली चीज ये रहेगी कि मार्केट जो है वो 16,490 लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारे लिए अच्छा है, और अगर वापस से ये लेवल को ब्रेक करेगा विच इज 16,140 तो मार्केट हमारे लिए खराब है। तो ये एक बात बहुत ही पक्की हो गई है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे पहले एक गैप था, और वो गैप को अभी मार्केट वापस से, मतलब वो गैप कैन वर्क एज अ सपोर्ट। तो अभी मार्केट अपने सपोर्ट के पास आया है, और यू नो डोजी कैंडल बना रहा है, तो सपोर्ट के पास आके अगर मार्केट डोजी कैंडल बना रहा है तो वो सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है। बट वी नीड अ बुलिश कैंडल हियर, मतलब जो हैमर आप बोल लीजिए कि एक मारुबुजु टाइप का कैंडल होता है जो पूरा ग्रीन होता है, वैसे कैंडल की यहाँ पे जरूरत है। तो निफ्टी में अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है, मेजर लेवल है विच इज 15,400, अगर वो ब्रेक करता है तो खराब हो जाएगा। अगर अपसाइड का मैं आप लोगों को मेजर लेवल बोलूँ तो दैट इज 17,150, वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और अभी मैं आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम का, मतलब एक सपोर्ट बोलता हूँ विच इज 15,900, और लोअर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है 16,490। तो ये है हमारा निफ्टी के लेवल्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी मैं क्या करता हूँ ना, आप लोगों को बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ, मेरा एक ओवरव्यू क्या है। तो अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ना, तो अभी बैंक निफ्टी में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी वही सारी चीजें हो रही है जो निफ्टी में हो रहा है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी एक अपने, आप बोल सकते हो कि अगर आप बैंक निफ्टी को मंथली चार्ट में करोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने कोविड के, मतलब कोविड के प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद कुछ अच्छा खास रिटर्न नहीं दिया, और रिसेंटली वो लेवल को बैंक निफ्टी ने रिटेस्ट किया था, वापस से रिएक्ट किया था, और वापस से बैंक निफ्टी एक रिटेस्ट लेवल पे आके बैठ रहा है। तो मंथली में अगेन बैंक निफ्टी इज नॉट सो गुड, मतलब बैंक निफ्टी साइडवेज बोल सकते हो आप। और आप ये जो वीकली चार्ट देख रहे हो ना, वीकली चार्ट में भी बैंक निफ्टी में कुछ खास एक ट्रेंड नहीं है। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी को 32,200 से लेके 32,600 का एक अच्छा एरिया है डिमांड का, तो वो एरिया पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो आप बाय करने के लिए जरूर देखिए। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अगेन बैंक निफ्टी में भी वही गैप्स आप लोगों को मिलेंगे जो हमने रिसेंटली निफ्टी में देखे थे। तो रिसेंटली यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का जो गैप ही दिया था, अगेन बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के पास आके बुलिश टाइप के कैंडल बना रहा है, बट हमें यहाँ पे चाहिए वेरी बुलिश टाइप, मतलब और स्ट्रांग बुलिश कैंडल चाहिए जिससे हम लोगों का बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड कंटिन्यू हो। और बैंक निफ्टी में भी वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कैंडल आरबीआई का था, जिस दिन आरबीआई का रेट हाइक आया था, और वो कैंडल का हाई है 36,010। अगर बैंक निफ्टी वो लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए बैंक निफ्टी में आप बोल सकते हो कि फिर बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट मत करना अगर 36,290 के ऊपर मार्केट जाता है तो। एंड फिलहाल बैंक निफ्टी चल रही है समवेयर अराउंड 34,000 के आसपास, और रीसेंट जो आप बोलो नियरेस्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का रहेगा 34,800। तो 34,800 एंड 36,280 या फिर 290 बोलो, ये बैंक निफ्टी में नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है दैट इज 34,080 से लेके 33,550 का एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो अगेन 32,642 और 32,220 हम लोगों को देखने मिल सकता है।
अभी ये तो मैंने आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बता दिया, तो मैं आप लोगों को मतलब कंक्लूजन बता देता हूँ इसका क्या है। देखो निफ्टी भी खराब है, टेक्निकली बैंक निफ्टी भी खराब है, बट अभी अपने मेजर सपोर्ट के पास आके ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मार्केट शॉर्ट करना चाहिए। नो डाउट मार्केट में अभी सब जगह पे नेगेटिव बातें चल रही है, बट बिलीव मी जब मार्केट में अनसर्टानिटी होती है तभी आप लोगों को एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जब मार्केट में सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आप क्या बाय करोगे, मतलब तो वो टाइम पे कुछ अच्छी चीजें बाय करने मिलेगी नहीं। वैसे ही दो बहुत ही अच्छी चीजें जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे मार्केट में हमें ध्यान देनी चाहिए, तो सबसे पहला तो जो है वो HDFC, आप ये जो देख रहे हो ये HDFC लिमिटेड का चार्ट है। अभी मैं आप लोगों को इसमें लो रिस्क ट्रेड सेटअप क्यों बता रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ HDFC लिमिटेड को यहाँ पे एक सपोर्ट था, अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो HDFC लिमिटेड को ये वाला एक जो लेवल है ना वो सपोर्ट है, विच इज 2100, और अभी ये 2200 के आसपास चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो HDFC में भी बहुत सिंपल है, अगर ये अपने RBI पॉलिसी वाला हाई ब्रेक कर देगा विच इज 2280, तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट बन जाता है, और वो टाइम पे आप ये लेवल का स्टॉप लॉस लगा सकते हो 2100 या फिर 2090 का। तो ये एक आपका अच्छा स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब डबल बॉटम तो नहीं, आप ट्रिपल बॉटम बोल सकते हो, ऐसा पैटर्न बन रहा है। और दूसरा आप अगर एक चार्ट चेक करोगे ना विच इज HDFC बैंक, तो अगर HDFC बैंक का भी आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सेम चार्ट है, पर यहाँ पे क्या है ना डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। अभी देखो ये ट्रेड रिस्की हो सकता है क्योंकि आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हो मार्केट के अगेंस्ट ले रहे हो, बट यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा है और रिवॉर्ड आप लोगों को बड़ा मिलेगा, तो ऐसे रिस्क लेना मतलब वर्थ बनता है ऐसे अनसर्टन मार्केट में। तो इसको जो ये डबल बॉटम है ना वो समवेयर अराउंड 1290 1297 के आसपास बने हैं, और अभी मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 1341, और अगेन इसका भी आप लोगों को वो लेवल पे बहुत ही ध्यान देना है जो RBI डे वाला हाई था विच इज 1402। तो ये हाई ब्रेक कर देगा तो ये एक अच्छा ट्रेड बनेगा, और इसका अपसाइड का टारगेट भी मतलब आप लोगों को एक अच्छा डिसेंट टारगेट मिल सकता है। और हाँ मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे इंडेक्स के मेरा जो व्यू था वो बता दिया, और मैंने आप लोगों को दो स्टॉक बता दिए जो मुझे बेटर लग रहे हैं अभी ऐसे अनसर्टन मार्केट में, बट फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि विजय आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक डायरेक्टली, आप मुझे ऐसा कुछ बताइए जहाँ पे मेरा रिस्क बहुत कम हो, तो फिर देखो आप लोगों को क्या करना चाहिए ना, अभी मार्केट बहुत ही खराब सिचुएशन में है, तो दिस इज द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंडेक्स फंड है जैसे ये DSP इक्विटी निफ्टी 50 फंड डायरेक्ट ग्रोथ वाला, ये है निपॉन वाला है, ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड है। तो देखो ये सारे इंडेक्स फंड है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये सारे इंडेक्स फंड है जिसमें आप अभी स्लोली आपका इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे इसके एक्सपेंस रेशियो भी है, तो आप लोग ऐसे फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम है और आप लोगों को रिवॉर्ड मिलने का चांस ज्यादा है। बट अगर आप कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो ना, तो एटलीस्ट 1-2 साल के इन्वेस्टमेंट, अगर वो पैसे आप लोगों को 1-2 साल तक के लिए नहीं चाहिए वैसे पैसे इन्वेस्ट करना, बिकॉज मार्केट बहुत अनसर्टन है, कब क्या हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता, बट मैंने आप लोगों को जस्ट मेरा एक एनालिसिस बता दिया। तो ये था मेरा व्यू इंडेक्स और ये दोनों स्टॉक को लेकर। अभी देखो यहाँ पे मैंने जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी आप लोगों को बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को जो मैंने इंडेक्स फंड बताया है अगर वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं नीचे अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, और उसके थ्रू आप वो किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी देखो मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है यहाँ पे आज, बिकॉज मैंने देखा कि मार्केट में बहुत ही लोग नेगेटिविटी बात कर रहे हैं, मार्केट में अभी फिलहाल बहुत नेगेटिविटी है, आप जो भी स्टॉक देख लो सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, इंडेक्स की भी अभी हालत खराब है, जो भी गवर्नमेंट से डेटा आ रहा है वो भी खराब है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक मेरा व्यू शेयर कर दूं, उससे अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी आ जाए तो और क्या चाहिए, और बिलीव मी ऐसे नेगेटिव मार्केट में ही बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो आप जरूर कंसिडर करिए। ऑब्वियसली अभी इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा डर तो लगता ही है, बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100% आप लोगों को रिटर्न अच्छा मिलेगा। एंड आप ही मुझे बताइए कि जब मार्केट अच्छा था आपने इन्वेस्टमेंट किया और अभी मार्केट खराब है, तो आपके इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन क्या है, अच्छी है या खराब है? 100% वो खराब ही होगी। जब आप खराब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तभी आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे मार्केट में अच्छा रिटर्न देगी। बस यही मेरे को आप लोगों को बोलना था, आई होप आप मेरा बोलने का मतलब समझ गए हो। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए,
अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।